साइंस परिवार के सदस्य, मुझे भी कई अवसरों पर जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती रही साइंस क्लब के प्रोग्राम्स में जाने का अवसर मिला है, मिलता रहा है और बड़ी प्रसन्नता भी होती है। भागलपुर में जब थे तो साइंस क्लब के माध्यम से एक ऑनरेरी बैच भी दिया गया था, उसमें बड़ा अच्छा लगा था। और जिस प्रकार का काम आप लोग करते हैं, निश्चित ही समाज में प्रेरणा का प्रसार करती है, अन्य लोगों को भी प्रेरित करती है, क्योंकि समाज तब ही आगे बढ़ता है जब जो लोग सक्षम हैं उनके द्वारा उनका सहयोग हो जिनको आवश्यकता है। इसी से समतामूलक समाज का निर्माण संभव है। हम कहते रहे कुछ और कुछ करें नहीं, अपने लिए केवल स्वार्थ सिद्धि में लगे रहें, उससे समाज में परिवर्तन नहीं आता। लेकिन थोड़ा सा प्रयास यदि हर व्यक्ति करे, छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा परिवर्तन संभव है। मंच पर बैठे सभी सदस्यों का, प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल जी का जो भागलपुर से चलकर आए हैं, मैं अभिनंदन करता हूँ। लेट्स इंस्पायर बिहार एक संदेश है जिसको मैंने सबसे पहले 22 मार्च 2021 को लोगों के साथ शेयर किया था, जिसका थीम यही है कि यदि बिहार का भविष्य हम लोग उज्ज्वल करना चाहते हैं तो हमें सोचना होगा कि क्या कारण था कि जब जिस इतिहास पर हम लोग गौरवान्वित होते हैं, जिसने जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, तब बिहार में ऐसी क्षमता कैसे आई कि उसने अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण किया, जिसकी सीमाएं आज के भारत से बहुत अधिक विस्तृत थी, कहीं और से भी हो सकता था, लेकिन बिहार से यदि हुआ तो क्यों हुआ। और इस पर जब चिंतन करते हैं तो उत्तर बड़ा स्पष्ट रूप में मिलता है। बिहार की सोच प्राचीन काल से ही अत्यंत अलग थी, बड़ी थी, नए अपवाद प्रस्तुत करने के लिए तत्पर थी। वी वर फॉरवर्ड लुकिंग पीपल। और उसको पे यदि समझें तो वेदांत की भूमि थी, वेदांत में कहीं भेदभाव नहीं मिलता, सब में उसी रूप को देखने की परंपरा को हम पाते हैं। और इसी कारण बिहार को यदि अध्ययन करते हैं तो देखते हैं प्राचीन काल बिहार यदि आगे बढ़ा उसका कारण था, जातियाँ बिहार में भी थीं लेकिन बिहार में जातिवाद का प्रभाव उस प्रकार से नहीं था, रहा होता तो कभी भी नंद वंश का उदय बिहार में नहीं होता, जो सबसे निम्न वर्ग से आता था। शासक तक के चयन में एक अलग परंपरा बिहार में स्थापित होते पाते हैं, जिसमें जो समर्थ है उसको शासक हम बना सकते हैं, समाज स्वीकार करता है। वही स्थिति वैशाली में हुई, जहाँ एक नई परंपरा इस रूप में स्थापित हुई कि शासक का चयन भी कर सकते हैं। परंपरा रुकनी नहीं चाहिए, रुकती है जल की धारा बहती है तो शुद्ध रहती है, जब रुकती है तो दूषित हो जाती है। तो जो नए सृजन की परंपरा बिहार में स्थापित थी कहीं ना कहीं समय के साथ रुकती सी चली गई। और आज यदि हम देखते हैं तो पाते हैं कि जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर आपस में इस प्रकार का संघर्ष है कि व्यक्ति को व्यक्ति से हम जोड़ नहीं पाते। जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर अखंड भारत के साम्राज्य को बिना किसी संसाधन के बना सकते थे, ऐसी क्षमता रखते थे, उनके वंशज यदि ऐसा नहीं कर पाते, देखिए स्थिति क्या है। शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। उस बिहार में जहाँ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय स्थापित थे। तो लेट्स इंस्पायर बिहार हम लोग किसी प्रकार का संदेश दे रहे हैं कि बदलने कोई दूसरा नहीं आएगा। अगर बदलना है तो हर व्यक्ति को अपना दायित्व समझना होगा, जो सक्षम है, जैसा साइंस को जो काम करती है, थोड़ा सा सहयोग यदि समाज का करते हैं, उस रूप में करते हैं कि संगठित हो जाते हैं, यह जानते हुए कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृतियों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है, तो निश्चित एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख सकेंगे। मोतिहारी में पहली बार 28 फरवरी 2022 को मेरा कार्यक्रम हुआ था, जो कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम, सबके साथ विचारों को मैंने साझा किया। उसके बाद मोतिहारी में दक्ष हमारे मेन कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत युवा हैं लेकिन उनकी क्षमता असीम है, सबकी क्षमता असीम होती है, तो बहुत अच्छे से लोगों को जोड़ना जानते हैं, क्योंकि इनमें उस प्रकार का मैं भी सीखता हूँ, ईगो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मंच पर नहीं दिखते हैं, किसी प्रकार से लाइमलाइट नहीं चाहते हैं, लेकिन जो काम करते हैं उस रूप में करते हैं, हर व्यक्ति को जोड़ने का अपने स्तर से सिंसियरिटी के साथ प्रयास करते हैं। तो एक टीम बनी जिसमें विभूति जी भी हैं और लोग जुड़े हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसी माध्यम से अभियान के संदेश को आगे ले जाएं। मोतिहारी के हर ब्लॉक में भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों को जोड़ा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो अभी तो हमने बस शुरुआत ही की है। लेट्स इंस्पायर बिहार के लिए बात करूँ तो जितने लोग जुड़े, करीब 60,000 से अधिक लोग अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हैं। जब इस प्रकार से योगदान दें तो अनेक संस्थान हैं जो बच्चों को निःशुल्क
भागलपुर में पटना में पढ़ाते हैं, तैयारी करा रहे हैं आईआईटी की मेडिकल की। महिलाएं जो हमारे साथ जुड़ी बड़ी संख्या में, तो पटना से गार्गी पाठशाला का प्रारंभ हुआ पहले वर्ष में 2022 अप्रैल में, शुरू में 3 थे, आज 14 हो गई हैं, जिसमें महिलाएं जाती हैं और गरीब बच्चों को जो स्लम्स में रहते हैं उनको पढ़ाती हैं निःशुल्क नियमित रूप से। उसके अलावा चिकित्सक जो जुड़े साथ में, जीवा अध्याय उन्होंने ने कहा, उसमें पटना में ही करीब 102 फ्री मेडिकल कैंप्स लगे, जिसमें 11,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। अन्य जिलों में भी जहाँ जहाँ सहयोग मिलता जा रहा है, जैसे बेगूसराय में IMA की लोकल चैप्टर साथ में जुड़ी, तो हर मंथ में एक दिन फ्री मेडिकल कैंप बेगूसराय में लगता है। कल वैशाली में हम लोगों ने एक फ्री LIV क्लिनिक शुरू किया, उसमें डॉक्टर्स जुड़े हैं, उन लोगों ने मिलकर कहा कि वो एक दिन संडे को बैठेंगे बाय रोटेशन और 3 घंटे हम लोग ऐसे गरीब लोगों को देखेंगे भी और उनके लिए टेस्ट के लिए भी उन्हें सुविधा उपलब्ध कराएंगे। बातें सुनने में छोटी लगती होंगी, लेकिन मैंने यही अनुभव किया कि छोटी छोटी बातों से उन लोगों को जोड़ते हैं, लोग बड़ी संख्या में जुड़ते हैं, तो बड़ा बदलाव आता है। बघा में था मिनी चंबल कहते थे, छोटे छोटे परिवर्तन से जब उन्होंने प्रेरित किया, चीज़ें ऐसी बदली कि मिनी चंबल का नाम मिट गया। वही स्थिति रोहतास में हुई, रोहतास में भी जब थे उग्रवाद चरम पर था, लेकिन जब लोगों से हम लोग जुड़े, उन्हीं के पूर्वजों की बात हम लोगों ने की, उनको अनुभव कराया, चीज़ें बदल गई। पहली बार तिरंगा रोहतास किले पर वर्ष 2009 के 26 जनवरी को लहराया, उससे पहले काले झंडे लहराते थे। मन की जो शुद्ध प्रेरणा होती है, मन को जोड़ती है, इसी के साथ अभियान को लेकर हम चल रहे हैं। और जो 3 बिंदु हैं, शिक्षा, समता, उद्यमिता, उसमें उद्यमिता बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग चाहते हैं कि बिहार का यदि विकास होगा तभी संभव है जब रोजगार के अवसर पैदा हों, उद्योग लगे, व्यवसाय बढ़े। जैसे अंगद जी लेट्स नायंस को भी प्रेसिडेंट तो हैं, साथ साथ लेट्स इंस्पायर बिहार में मोतिहारी के बिजनेस कोऑर्डिनेटर भी हैं। हम चाहते हैं जो यूथ है उनको बताएं कि आपको यदि कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो क्या चुनौतियाँ होती हैं, कैसे कर सकते हैं, और ऐसे लोग ही मार्गदर्शन दे सकेंगे जो सफल हैं, जिन्होंने कुछ नया शुरू किया। एक अपने महिला अध्याय मोतिहारी से जुड़ी हैं जैनब बेगम, उनका भी हम लोग देखते हैं किस प्रकार से मशरूम का उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया और सफलता के साथ चीज़ें बढ़ रही हैं। पटना में भी आज इस महीने उद्घाटन करने जाते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल जो हमारे यूथ को मोटिवेट करें सोच को बढ़ने को। कोई सरकार आएगी हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, कही जा सकती है लेकिन देना संभव नहीं है। बिहार का विकास तभी संभव है छोटे छोटे एंटरप्राइज लगाने के लिए हम लोगों को प्रेरित करेंगे, जिससे हम और लोगों को रोजगार दे सकें। यही इस अभियान का संदेश है। समय मेरे पास बहुत कम है, 5 दिन ऑफिस जाता हूँ और जो सैटरडे संडे है अपने परिवार को नहीं देकर बिहार को देता हूँ। तो इस सप्ताह कल कहीं और था, आज मोतिहारी में हूँ, सुबह फिर 9:30 बजे से ऑफिस को रहना है। तो आप लोगों से क्षमा भी मांगो, इच्छा बहुत है कि समय तक रहो, लेकिन पटना जाना है और सुबह बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना भी है जाकर 9:30 बजे। आपसे अनुमति लूंगा और सभी को, विशेष अंगद जी को, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। मन से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे अब्दुल कलाम लोग, फिर आगे भी कुछ बड़े कार्यक्रमों में आपका योगदान होगा, ऐसी अपेक्षा लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को हम लोग जरूर अपनाएंगे, ये आपको हम लोग विश्वास दिलाते हैं। मेरा निवेदन होगा।